हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल ईडी स्टडी पे। आज आपके लिए लेके आए ज्योग्राफी का बहुत अच्छा टॉपिक, भारतीय क्षेत्र का भौतिक विभाजन, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का भौतिक विभाजन। भारतीय क्षेत्र को पांच भौतिक विभाजन में पांच क्षेत्र में विभाजित किया गया है। सबसे पहला पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदानी और द्वीपीय समूह। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। भारत के उत्तर में ये हमारा उत्तर दिशा है, ये हमारा दक्षिण दिशा है, ये हमारा पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। इस बात को आपको याद रखिएगा तो मैप अच्छे से समझ में आएगा। भारत के उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र है, ये जितने भी ऊंची चोटी पाई जाती है सब भारत के उच्च में। हिमालयन जो है वो भारत के उत्तर में स्थित है, इसको हम लोग भारत के पर्वतीय प्रदेश के नाम से जानते हैं या फिर इसके अंतर्गत रख के पढ़ते हैं। और इसको हम लोग आज मेनली हम लोग हिमालय को ही देखेंगे। उसके बाद आता है मैदानी क्षेत्र, तो जो भी नदियां पहाड़ से होते हुए आती है और जिस जगह से होते हुए गुजरती है ये अपने साथ मिट्टी लेकर आती है और इस क्षेत्र में बिछा देती है। तो जिस क्षेत्र में मिट्टी बिछाती है वहां पर एक मैदान का निर्माण करता है निर्माण होता है जो कृषि के लिए जाना जाता है, जो भारत के उत्तर में है। इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। तो सबसे पहला भाग हमने देखा पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा देखा मैदानी क्षेत्र। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है तिब्बत से होकर, तो ये भी अपने साथ मिट्टी लेकर आती है और यहाँ पर भी ये मैदान का निर्माण करती है। जो भी मिट्टी अपने साथ लेकर आती है उससे जो जगह निर्माण होता है कैसा प्लेन बनता है, इंग्लिश में प्लेन बोलते हैं या फिर मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। इसी को हम लोग भारत के उस विशाल मैदान के अंतर्गत रखते हैं। तो हमने दो भाग देखा, पर्वतीय क्षेत्र और दूसरा मैदानी क्षेत्र। तीसरा बोलते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय पठार। तो पठार किसको बोलते हैं, तो ऐसा क्षेत्र जो खनिज के लिए फेमस हो, खनिज मतलब जहां से एल्यूमिनियम सिलिकॉन ये सब प्राप्त करते हो, उसको हम लोग पठारी क्षेत्र बोलते हैं। तो भारत के दक्षिण में पठारी क्षेत्र है और इसको हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, तो प्रायद्वीप ऐसा क्षेत्र जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, जैसे देखिए इस साइड से भी जल से घिरा हुआ, इस साइड से भी जल से घिरा हुआ, इस साइड से भी तीनों साइड से जल से घिरा हुआ, इसलिए इसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं और ये पठारी क्षेत्र है इसलिए इसको जानते हैं प्रायद्वीपीय पठार के नाम से। तो हम लोग तीन चीज जाना। चौथा है तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान मैदानी क्षेत्र होता है, ऐसा भाग जो तट भारत का ये तटीय भाग है, तटीय सीमा है। तट किसको बोलते हैं, जो क्षेत्र जल से लगता है उसको तट बोलते हैं। मैं इसको ब्लैक कर दे रहा हूं, ये तटीय क्षेत्र है और ये पूर्वी घाट है। ये पूर्वी तटीय क्षेत्र भारत का, ये पूर्वी घाट है, इसके बीच का क्षेत्र भी कैसा है, मैदानी भाग है जो भी कृषि के लिए जाना जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं तटीय मैदानी क्षेत्र या फिर इसको बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र, इस बात को आप याद रखिएगा। ये हमारा पश्चिमी घाट है, इधर पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी तट है, इसका बीच का क्षेत्र भी क्या है, मैदानी क्षेत्र है। तो इसको हम लोग पश्चिमी तट के नाम से भी जानते हैं, सॉरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, तो हम लोग याद रखेंगे। और पांचवा क्या आता है, तो पांचवा है द्वीपीय समूह। तो ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि हिमालय का ही भाग है और ये लक्षद्वीप, ये द्वीपीय समूह के अंतर्गत रख के पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पांचों चीज देख लिया। सर्वप्रथम देखा पर्वतीय प्रदेश, यदि पूछा जाए भारत का पर्वतीय प्रदेश किस दिशा में है, तो भारत के उत्तर में है। विशाल मैदान देखा, कौन सा मैदान, तो ये देखिए जिस तरह से गंगा नदी आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, तो ये सब भारत में मैदान का निर्माण करती है जो कृषि के लिए ज्यादा फेमस है और यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार वह भाग है जो खनिज संसाधनों के लिए परिपूर्ण है, जहां से हम लोग खनिज की प्राप्ति करते हैं। ये जो येल्लो वाला भाग देख रहे पूरा पठारीय भाग है, पठारीय भाग एक्चुअली में यहां तक है, जब हम पठार पढ़ाएंगे तब वो समझाएंगे पूरा, यहां तक पठारीय भाग आता है। पठारीय भाग के अंतर्गत मुंबई आता है, कर्नाटक आते हैं, इधर आंध्र प्रदेश आते हैं, उड़ीसा आते हैं, झारखंड आते हैं, या आंध्र प्रदेश हुआ, इधर उड़ीसा हुआ, झारखंड के कुछ हिस्सा आते हैं, तमिलनाडु के कुछ हिस्सा, ये सब पठारीय क्षेत्र में आते हैं। मैदानी क्षेत्र में जैसे यूपी हो जाता है, बिहार हो जाता है, पश्चिम बंगाल हो जाता है, झारखंड के कुछ हिस्सा, ये सब कैसा मैदानी क्षेत्र में आते हैं। आसाम हो गया, ये सब मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब का कुछ हिस्सा हो गया, इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब कैसा क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। और मैदानी भाग तो आपको पता होगा, जैसे इधर का हो गया मुंबई के कुछ भाग हुए, गोवा हो गया, कर्नाटक के कुछ हिस्सा हो गए, इधर हमारा केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, ये सब तटीय मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। गुजरात का कुछ क्षेत्र जो मैदानी है, नीचे कुछ क्षेत्र पर्वत है, गिर पर्वत है, जब पर्वत चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे। और ये कि मरुस्थल जिसको डेजर्ट बोलते हैं, जो भारत के पश्चिम में स्थित है, जिसको राजस्थान बोलते हैं, इसको हम लोग पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जानते हैं, क्या राजस्थान है और यही हिस्सा जो पाकिस्तान में, उसको हम लोग चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। ये जो राजस्थान है ये कैसा मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसको हम लोग मैदान के अंतर्गत रख के ही पढ़ते हैं। तो हमने पांच भूभाग देख लिया। सबसे प्रथम था पर्वतीय क्षेत्र जो भारत के उत्तर में स्थित है, मैदानी क्षेत्र जो भारत के लगभग मध्य में स्थित है, प्रायद्वीपीय पठार जो दक्षिण में स्थित है, तटीय मैदान जो दोनों तरफ है, भारत के पूर्व में और भारत के पश्चिम में
स्थित और द्वीपीय समूह हमने देखा अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप। तो हमको ये पांचों भाग समझ में आ गया होगा। आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, तो भारत के पर्वतीय प्रदेश के बारे में यानी कि हिमालय के बारे में जो भारत के उत्तर में स्थित है। इसका हम लोग विभाजन किस प्रकार करते हैं वो उसको समझेंगे। इससे देखेंगे सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं बहुत अच्छे से समझेंगे। सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए मैं उसी पॉइंट को लेकर रखा हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। ये हमारा इंडिया का मैप है, तो ये आपको पता ही होगा। इसको मैं जूम करके पढ़ा रहा हूं, दिखा रहा हूं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए ये क्या है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। इधर हमारा तिब्बत है, तिब्बत एक देश है, और ये चाइना, ये भी देश है। अभी फिलहाल तिब्बत पे किसका अधिकार है, तो चाइना का अधिकार है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं हिमालय को किस तरह से विभाजन किया गया, तो सबसे पहले इसका समांतर विभाजन पढ़ेंगे हम। मैं दूसरा कलर ले रहा हूं, तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले आप समझिए, ये तो हमारा जम्मू कश्मीर है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा नेपाल है, ये देश भी याद रखना होगा, तो आपको मैप अच्छे से याद होगा। ये भूटान है और ये बांग्लादेश है, क्या है, बांग्लादेश, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हिमालय को हम लोग समानांतर क्रम में बांटते हैं। हिमालय किधर से, तो देखिए ये हमारा इधर पश्चिम है और इधर हमारा पूरब है, जिस तरह से हिमालय फैला हुआ है। हिमालय का देख लेते हैं किस तरह से फैला हुआ है। तो ये हमारा हिंदुकुश पर्वत है, ये पाकिस्तान है और इधर अफगानिस्तान है। तो हिंदुकुश पर्वत जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर है, वहां से लेकर ये पूरा भारत के पूरब और नेपाल से होते हुए, भूटान से होते हुए, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, ध्यान से देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये सीधे कहाँ तक आता है, पूरा समुद्र तक, समुद्र को पार करते हुए नीचे, ये जो नीचे देख रही है यहाँ तक आता है अंडमान निकोबार तक, जो भी हिमालय का ही एक समूह है। तो हमने बता दिया हिमालय कहाँ से, हिंदुकुश पर्वत से लेकर अंडमान निकोबार तक। सबसे पूरब में देखा जाए तो हमारा यहाँ पे बसा हुआ है नंगा पर्वत, यहाँ पे क्या है, नंगा पर्वत, और यहाँ पे है, याद रखिएगा जो दो टर्निंग है वहां पे मैं दो पॉइंट का नाम बता रहा हूं, ये है नामचा बर्मा, दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, क्या है, नामचा बर्मा, तो समझने में आसान होगा। तो दो जगह से हिमालय मुड़ता है, एक है नंगा पर्वत जो हमारे पश्चिम में है, और ये नामचा पर्वत जो हमारे पूरब में है, नामचा बर्मा नंगा पर्वत, ठीक है। अब देखेंगे हिमालय को किस प्रकार से बांटा गया, तो चार भाग में बांटते हैं। इधर तिब्बत है, तो बता ही दिए जिसपे भी चाइना का अधिकार है। तो हिमालय का वह भाग जो तिब्बत की ओर है, या फिर भारत के सबसे सबसे उत्तरी भाग यदि पूछा जाए तो कौन सा होगा, ट्रांस हिमालय होगा। मैं एक एक करके लिख ले रहा हूं। तो मैंने बताया इधर क्या था, आप सब पॉइंट को याद रखिएगा, इधर था नंगा पर्वत, इधर था नामचा बर्मा, ठीक है, ये दो पॉइंट। अब हम भारत हिमालय के विभाजन को देखते हैं किस प्रकार से विभाजन किया गया है। तो हिमालय का वह भाग जो सबसे उत्तर में, या फिर तिब्बत की ओर, इधर तिब्बत था, यहाँ क्या था, तिब्बत था, तो यह भाग सबसे उत्तर में, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय, याद रखिए, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। तो हिमालय का सबसे यदि उत्तरी भाग पूछा जाए तो ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय से दक्षिण में हमारा पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं बृहद हिमालय, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट हिमालय, इसी को बोलते हैं बृहद बृहद हिमालय। दो पार्ट, तीसरा देख रहे हैं, ये तीसरा जो मैंने ब्लू कलर का बताया, ये हिमालय को मैंने बांटा है, जो सबसे उत्तर में है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय से जो दक्षिण में है, ये ट्रांस हिमालय से दक्षिण में है, देखते हैं, ये ट्रांस हिमालय से दक्षिण में है जिसको बृहद हिमालय बोलते हैं। बृहद हिमालय से जो दक्षिण में उसको हम लोग मध्य हिमालय बोलते हैं, उसको हम लोग मध्य हिमालय बोलते हैं, और जो सबसे दक्षिण में है उसको हम लोग शिवालिक बोलते हैं, या फिर शिवालिक के नाम से जानते हैं। तो सर्वप्रथम हमने देखा जो हिमालय के सबसे उत्तरी भाग है उसको हम लोग ट्रांस हिमालय बोलते हैं। हिमालय का वह भाग जो ट्रांस हिमालय से दक्षिण में उसको मध्य हिमालय सॉरी बृहद हिमालय बोलते हैं, जो ट्रांस हिमालय से दक्षिण में उसको हम लोग बृहद हिमालय बोलते हैं, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। और जो ट्रांस हिमालय से बृहद हिमालय से दक्षिण में उसको मध्य हिमालय बोलते हैं, और शिवालिक जो सबसे दक्षिण में है। तो इस तरह से देखें तो हमारा एक नंबर में क्या है, ये एक नंबर में है हमारा ट्रांस हिमालय, दो नंबर में है बृहद हिमालय, तीन नंबर में है मध्य हिमालय, और चौथा और सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय। तो जब भी क्वेश्चन आए कि हिमालय का वह भाग जो सबसे उत्तर में है तो ट्रांस हिमालय, हिमालय का वह भाग जो सबसे दक्षिण में है तो शिवालिक, हिमालय का वह भाग जो ट्रांस से दक्षिण में है तो बृहद हिमालय बोलेंगे, ग्रेट हिमालय बोलेंगे, या फिर इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। बृहद हिमालय का एक और नाम याद रखिएगा हिमाद्री, बृहद हिमालय का एक और नाम लिखिएगा हिमाद्री। और यदि हमसे पूछे कि बृहद हिमालय से दक्षिण में कौन सा है तो हम लोग बोलेंगे मध्य हिमालय, या मध्य हिमालय का ही एक नाम और रखिएगा याद, हिमाचल। तो इस पॉइंट को हम लोग ने जान लिया, मैं फिर से जल्दी रिपीट कर दे रहा हूं, हिमालय का सबसे बोलते चलिएगा तो याद होगा, हिमालय का सबसे उत्तरी भाग ट्रांस हिमालय,
ट्रांस से जो दक्षिण में उसको बृहद हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय बोलते हैं या फिर हिमाद्री बोलते हैं। ट्रांस से जो दक्षिण में उसको मध्य हिमालय या हिमाचल बोलते हैं, और हिमाचल से जो सबसे दक्षिण में उसको हम लोग शिवालिक बोलते हैं। पूछा जाए कि हिमालय का इस चारों भाग में से सबसे पहले कौन सा बना, तो ट्रांस हिमालय ये सबसे पुराना भाग है हिमालय का। यदि पूछा जाए सबसे नवीनतम भाग कौन है तो शिवालिक है। तो इतना बात आपको विभाजन समझ में आ गया होगा, चार भाग में बांटा, सबसे प्रथम जान ले, दूसरा, तीसरा, चौथा, हम लोग अच्छे से समझ गए। अब हम लोग सबके विशेषता के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे जिससे क्वेश्चन आते हैं। ये जो फिगर मैंने बनाया एक्चुअली में समझने के लिए बनाया है, हिमालय का ही विभाजन को मैंने बताया है। इधर हमारा समझ लीजिए तिब्बत, या फिर इधर हमारा समझ लीजिए चाइना है, और इधर इंडिया है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं, अभी हमने देखा वहां पर मैप में मैंने ऐसे बताया था, ये मैप था इंडिया का कुछ इस तरह से। तो यहां पर जो ये पहाड़ियां थी उसी को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, इस फिगर में ऐसे ड्रॉ कर दिया है, जो मैं राउंड कर रहा हूं, ये फिगर जो दिख रहा है ऐसे ड्रॉ कर दिया ताकि अच्छे से समझ में आए। तो यह भाग तिब्बत की ओर था, तो इसको हम लोग ट्रांस हिमालय बोलते थे, जो मैंने आपको बता चुका है। और ये जो पूरा भाग देख रहे हैं ये किधर का है, ये भारत की ओर जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग तीन भाग में बांट दिए हैं, बृहद, मध्य और शिवालिक। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बोलेंगे हिमालय का पश्चिमी, हिमालय हुआ, हिमालय का ये पश्चिमी भाग होता है। यदि पूछे भारत के, यदि हिमालय का सबसे उत्तर में पूछा जाए तो पड़ता है ट्रांस हिमालय, सबसे दक्षिण में पूछा जाए तो शिवालिक हिमालय, ठीक है। और ये जो भारत के, उसको तीन भाग में बांट दिए हम लोग, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये बात आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यदि हमसे पूछा जाए कि सबसे चौड़ाई में सबसे ज्यादा किस, कौन सा हिमालय, तो मध्य हिमालय, क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए याद रखिएगा। सबसे ज्यादा चौड़ा हिमालय का कौन सा भाग है, तो जो मध्य हिमालय है वो सबसे ज्यादा चौड़ा है, कौन सा, मध्य हिमालय। दूसरा बात हमको याद रखना है, ये सबको जो, ये सब जो हिमालय है उसको जो क्षेत्र विभाजित करते हैं उसका नाम, सबसे पहला ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करता है सचर जोन। याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय को कौन अलग करता है, सचर जोन। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को कौन अलग करता है, तो मेन सेंट्रल ट्रस्ट। याद रखना है कौन सा अलग करता है, मेन सेंट्रल ट्रस्ट। याद रखना है कौन सा, मेन सेंट्रल ट्रस्ट। ये हमारा मेन सेंट्रल ट्रस्ट किसको अलग करता है, बृहद और मध्य को। इसको हम लोग लिखेंगे मेन सेंट्रल, हिंदी में भी यही नाम होता है, मेन सेंट्रल ट्रस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर मध्य हिमालय और शिवालिक को अलग करता है ये मेन सेंट्रल ट्रस्ट ने, इसको याद रखिएगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट, एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और जो सबसे नीचे आता है उसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट करते हैं, बोलते चलिए आपको याद हो जाएगा। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय को अलग करता है सचर जोन, बृहद हिमालय मध्य हिमालय को अलग करता है मेन सेंट्रल ट्रस्ट, या फिर इसी को बोलते हैं MCT, मेन सेंट्रल ट्रस्ट। फिर मध्य हिमालय को और शिवालिक को अलग करता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, इसी को बोलते हैं MBF, या फिर आप सीधे याद रखिए मेन बाउंड्री फॉल्ट। और सबसे नीचे आता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो चार चीज हमने सीखा, आप लाइन से याद कर लीजिए, उसके बाद अपने आप सेपरेट कर लीजिएगा। सचर जोन, इसको सिर्फ ट्रस्ट याद रखिए, इसको सिर्फ फॉल्ट याद रखिए, और इसको ग्रेट याद रखिए। आप चारों कैसे याद करके रख सकते हैं। सबसे आता है सचर जोन सबसे पहले, उसके बाद आता है मेन सेंट्रल ट्रस्ट, उसके बाद आता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, उसके बाद आता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो यह लगता है आपको याद हो गया होगा, ये चारों विभाजन थे। विभाजन ये जो क्षेत्र, ये जो डिवाइड करता है उसी को बोलते हैं सचर जोन। ये जो डिवाइड करता है ये लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं मेन सेंट्रल ट्रस्ट। ये जो लाइन डिवाइड कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। सबसे नीचे जो सबसे शिवालिक से भी नीचे आता है उसको लोग बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पूरा कश्मीर से लेके आसाम तक है, याद रखिएगा, कश्मीर से लेके आसाम तक है, सबसे ज्यादा फैला हुआ है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो ये विभाजन आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरी अच्छी तरीके से इसको देख के याद कर लीजिए, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हम आते हैं हिमालय की कुछ महत्वपूर्ण बातों में। अब आते हैं कुछ विशेषता के बारे में जानते हैं। यहाँ पर तीन रेंजेस है, तीन रेंज। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये हमारा ट्रांस हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय ऐसे करके है, बृहद हिमालय, ये जो ब्लू है मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, ये पूरा बृहद हिमालय, ठीक है। यहाँ पर है नंगा पर्वत जो मैंने बताया, ये क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं POK या फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, POK, जिस पर पाकिस्तान का भी अधिकार है। इधर बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अक्साई चीन, याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं अक्साई चीन, जिस पर भी चाइना का अधिकार है। तो ये नंगा पर्वत कहाँ पे है, तो POK में है। यहाँ पे हमारा K2 है, K2 जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, जो ब्रिटिश द्वारा नाम दिया गया था, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन।
तो ये के टू और गॉडविन ऑस्टिन, तो हम लोग एक पॉइंट याद रखेंगे ट्रांस हिमालय, सबसे पहले आते हैं ट्रांस हिमालय, ये के टू जो है ये के टू किसका हिस्सा है, तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा याद रखेंगे, के टू किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का, क्वेश्चन आता है के टू किसका हिस्सा है, तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, इसका हाइट है 8611 मीटर जो अभी भारत का सबसे सर्वोच्च चोटी है, तो हम लोग ट्रांस हिमालय से एक पॉइंट याद रखेंगे कौन कौन सा, के टू जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च सबसे ऊंचा चोटी है, जहां कहां स्थित है पीओके में है, इसको 8611 मीटर का है। अब आते हैं हम लोग बृहद हिमालय, बृहद नाम से ही पता चलता है, बृहद बृहद जो ग्रेटर हिमालय जितने भी सर्वोच्च चोटी है, जैसे दुनिया का सबसे सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है वो किस श्रेणी में है, या फिर हिमालय किस भाग में है, तो वो है बृहद हिमालय, नाम ही से याद रखिएगा, बृहद मतलब बड़ा, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, बृहद हिमालय में। इधर हम लोग पढ़ा नंगा पर्वत, ये भी याद रखिएगा, नंगा पर्वत हिमालय का यदि पूछा जाए आपका पश्चिम में सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है, इसके बाद केटू के बाद तो वह है नंगा पर्वत, ठीक है। पूरब में एक याद रखिएगा नामचा बर्मा, ये तीनों चीज याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कौन कौन सा, ये है नामचा बर्मा, नामचा बर्मा, नामचा बर्मा। तो हमने देखा तीन चीज याद रखना, इधर से नंगा पर्वत, यहां से माउंट एवरेस्ट, और यहां से नामचा बर्मा। एक और याद रखिएगा कांचनजंगा, ये क्या है कांचनजंगा, मैप को याद रखिएगा, मैप से सब दिमाग में याद रहेगा, कांचनजंगा का लगभग होता है 8558 मीटर इसका हाइट है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, केटू भारत का सबसे सर्वोच्च चोटी है, लेकिन पूछा जाए वर्तमान में भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, कांचनजंगा, क्योंकि केटू जो है वो पीओके के अंतर्गत है, अभी वो पीओके में पड़ता है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पड़ता है, जो पाकिस्तान बताता है कि किसका है, वो पाकिस्तान का है, इसलिए हमसे पूछा जाए कि भारत का तो केटू होगा, लेकिन वर्तमान में भारत में सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो हम लोग बोलेंगे कांचनजंगा है। तो हम लोगों ने देखा सबसे सर्वप्रथम केटू, ट्रांस हिमालय कौन सा होगा, केटू किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का, बृहद हिमालय का जो सबसे ऊंचा ऊंचा चोटी होता है उसको बृहद हिमालय में पड़ते, जैसे माउंट एवरेस्ट होगा जो कि नेपाल में है, नेपाल में इसको एक नाम से जानते हैं हम लोग, बोलते हैं सागरमाथा। सारे पॉइंट्स पेन रखिए और नोट करते चलिए तो आपको याद हो चलेगा। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, बृहद हिमालय में है, नामचा बर्मा कहाँ है, बृहद हिमालय में है, नंगा पर्वत कहाँ है, बृहद हिमालय में है, और कांचनजंगा ये भी कहाँ है, बृहद हिमालय में है। तो चार पॉइंट्स रहे किस चीज से, हमारे बृहद हिमालय से, चारों याद हो गया होगा आपको। अब आते हैं मध्य हिमालय, तो इसको ऐसे याद रखिए, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय किस चीज के लिए फेमस है, तो पर्यटक के लिए फेमस है, पर्यटक के लिए, आपने सुना होगा कुल्लू, कुल्लू आपने सुना होगा, मसूरी, कुल्लू कहाँ पे, उत्तराखंड में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में है, मसूरी। फिर इधर देखिए, इधर आपने सुना होगा दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, दार्जिलिंग यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। तो ये हमारा तीन पॉइंट्स रहा, कुल्लू, मसूरी, दार्जिलिंग, ये तीनों घूमने वाले जगह हैं, पर्यटक प्रदेश हैं। तो ये सबको किसके अंतर्गत रखते हैं हम लोग, मध्य हिमालय के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, मध्य हिमालय के अंतर्गत। और सबसे दक्षिण में आता है शिवालिक, तो शिवालिक किस चीज के लिए फेमस है, तो कभी पूछे कि चारों में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, तो शिवालिक हिमालय में है, जो हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे, आप इस बात को याद रखिए, इससे क्वेश्चंस आते हैं, सारे को बार बार देखिए और याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा। हिमालय का वह भाग जो देख रहे हैं हम लोग, अरुणाचल प्रदेश और आसाम में ये जो आ रहा है, हिमाचल प्रदेश और आसाम में आ रहा है, जैसे हमारा ये भाग देखिए, मैं ग्रीन में दूसरा कलर ले रहा हूँ, मतलब येलो ले रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला भाग, इसको हम लोग पूर्वी हिमालय के नाम से बोलते हैं, मैं इसको बार बार पेंट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, इसको पूर्वी पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, हिमालय का वह भाग जो पूर्व में स्थित, इसको पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, तो ये बात भी आप याद रखिएगा, ये भी हिमालय का ही एक भाग है। जहाँ पे इसमें कौन कौन सा आता है, जैसे यहाँ पर नागालैंड आता है, ये नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम में क्या है, मिजो पर्वत है, आप जानिएगा, ये सब पहाड़ आएंगे तो आपको समझाएंगे। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय क्षेत्र है उसको हम लोग पूर्वी हिमालय के नाम से जानते हैं, या फिर पूर्वांचल भी बोलते हैं उसको हम लोग। इतने पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं, और कुछ पॉइंट्स और बेसिक पॉइंट्स बचे हैं जो आपको और बताने जा रहे हैं, उसको भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ पॉइंट्स मैं लाया हूँ, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमने देखा ट्रांस हिमालय, मैंने बता दिया ये सबसे उत्तरी भाग है, ट्रांस हिमालय यह सबसे उत्तरी भाग है, ट्रांस हिमालय ये हिमालय का पश्चिमी भाग है, ये भी मैंने बताया। हिमालय कहाँ पड़ता है, हिमालय का पश्चिमी भाग इधर जो होता है, ये जो भाग है ज्यादातर ट्रांस हिमालय यहीं तक फैला हुआ है, इससे ट्रांस हिमालय इससे इधर नहीं है, ट्रांस हिमालय इधर ही तक फैला हुआ है, बहुत ज्यादा पूर्व तक नहीं है। तो ये हमारा ट्रांस हिमालय है, हिमालय का पश्चिमी भाग होता है, और तिब्बत के ओर मैंने बता चुका है।
और याद रखिए काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम ये पॉइंट भी मैं बता ही देता हूँ, तीन पर्वत श्रेणी याद रखिएगा, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला बोलते हैं जो छोटे छोटे पर्वत या बड़े बड़े पर्वत का समूह होता है, पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये तीनों कहाँ पे है, ये तीनों कश्मीर में है, जो किसका है, ट्रांस हिमालय का। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एकदम याद कर लीजिए, केटू में बता चुका हूँ, जो 8611 मीटर इसका ऊंचाई है, जो पीओ के में पड़ता है। भारत का सर्वे सबसे ऊंचा चोटी तो केटू, और भारत में वर्तमान में सबसे सर्वोच्च चोटी तो कांचनजंगा। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय का हिसाब बताया, कौन कौन से माउंट एवरेस्ट, कांचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी भी आप याद कर सकते हैं, मिले इसी तीनों को याद कर रखिएगा। नंदा देवी उत्तराखंड में है और कॉमेट जो है सो भारत में, नेपाल में, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नंदा देवी उत्तराखंड में है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, कांचनजंगा सिक्किम में, और नंगा पर्वत मैंने भी बताया पीओके में पड़ता है। ये सब किसके हिस्से है, बृहद हिमालय के हिस्सा है। मध्य हिमालय को हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, मैंने अभी बताया। मध्य हिमालय में दो भाग, पीर पंजाल, धौराधर, याद रखिएगा। पीर पंजाल, पीर पंजाल कहाँ पे है, तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पीर पंजाल और धौराधर, पीर पंजाल और धौलाधर ये दोनों मध्य हिमालय के हिस्सा है। मैंने बताया कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग ये सब पर्यटक स्थान है, इसका चौड़ाई सबसे ज्यादा है मध्य हिमालय का, पिछले फिगर में मैंने बता दिया है। शिवालिक, शिवालिक सबसे नवीनतम भाग है, इसको लोग डून्स या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं ड्वार्स, इसको और एक और नाम से जानते हैं ड्वार्स, याद रखिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वार्स के नाम से किस हिमालय के किस भाग को जाना जाता है, तो शिवालिक को, और सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है, शिवालिक का है। तो सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए आप, और आपको यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखिए स्लो करके, आपको समझ में आएगा। मैंने सारे पॉइंट्स डाल रखे हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या फिर आते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे कॉमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं और भी ऐसे टॉपिक्स लाने वाला हूं जिससे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं और आपको पूरा मैप याद हो जाएगा। हमारे साथ बने रहिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, और शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी फायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।